एक जमाना था जब सोचते थे पैसे नहीं होंगे तो शादी कैसे होगी, और घर वाले भी यही कहते थे पैसे नहीं कमाएगा तो तेरे से शादी कौन करेगा। और अब पैसे कमाने हैं तो शादी तो करने पड़ेगी ना मेरी जान। क्यों, किस लिए, कैसे, ऐसे नहीं हो सकता। और जिनकी शादी हो जाती है उन्हें बोलते हैं कपल ब्लॉगर, और इनकी ये आबादी इतनी है जितनी सेल में लगी दुकान और भंडारे में होती है, और ये सब मिलकर अब हमारे देश की आबादी बढ़ा रहे हैं। तो अभी हो रही है, तूने तो बोला था रात को हो रही थी, इसलिए तो चल अभी आज डॉक्टर के पास जाकर आते हैं। अरे चलना अभी जाकर आते एक बार। इतनी छोटी सी उम्र में प्रेग्नेंट, अभी तो खुद बच्चे हैं। सही बात है। और इतनी छोटी उम्र में इनकी गवारों की शादी करवा कौन रहा है? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इनके लिए बच्चा सी से क्यूट नहीं, सी से कंटेंट हो चुका है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। प्रेगनेंसी के कितने महीने हुए अब ये भी हम बताएं? केबीसी चल रहा है क्या? लाइफलाइन मिलेगी? नहीं। और है तो वैसे केबीसी, कौन बनेगा छपरी? ओ अच्छा, ये सर्वे है कि लोग इनका ब्लॉग सही से देख रहे हैं नहीं देख रहे। तो एक सेकेंड, इनके प्रेगनेंसी के 30 लोग आ चुके हैं, तो मतलब एक महीना हो चुका है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला, क्या कीजिएगा इस धनराशि का। उससे मैं इधर उधर निकल जाता। और अब नजर डालते हैं दूसरे कपल व्लॉगर पर। ये क्या चल गया? डरो मत, ये यूट्यूब है और ये इनके व्लॉग है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और आप यकीन नहीं मानोगे, ट्रेंडिंग में भी चल रहे हैं व्लॉग। और इसने अपनी वाइफ के बारे में इतना गलत गलत लिख रखा है, किस लिए? सिर्फ व्यूज के लिए। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, वाइफ की सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? व्यूज के लिए बस कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक। मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को एक सख्त लॉ बनाना चाहिए, हॉस्पिटल में व्लॉगिंग अलाउड नहीं है। व्लॉगिंग अलाउड नहीं होगी तो जनसंख्या अपने आप ही रुक जाएगी। वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए थी, बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। जब तक के लिए बाय बाय।